بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين और हुक्म फरमाया आपके रब ने कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तेरी जिंदगी में उन दोनों में से कोई एक या दोनों, तो उन्हें उफ तक मत कहो और उन्हें मत झिड़को, और जब उनसे बात करो तो बड़ी तआज़ीम से बात करो और झुका दो उनके लिए तवाज़ो और इंकिसारी के पर रहमत और मोहब्बत से, और अर्ज करो ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से मुझे पाला था जब मैं बच्चा था। तुम्हारा रब बेहतर जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम नेक किरदार होगे तो बेशक अल्लाह ताला बकसरत तौबा करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला है। सदाकल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के अहकाम इन आयात तैयबात में इरशाद फरमाए। कितने अहकाम इरशाद हुए? सबसे पहले इरशाद हुआ कि वालिदैन के साथ एहसान करना है। ये एहसान कोई एक हुक्म नहीं है कि हम कहें कि एहसान की ये एक तस्वीर होती है, इस तरह किया जाता है एहसान। एहसान कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक बड़ा जनरल सा माना है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें दाखिल होती हैं। आज हम थोड़ा सा इस उनवान पर देखना चाहेंगे। नंबर दो पर इरशाद फरमाया कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो फिर उनके साथ लाजिमन हुस्ने सलूक करना है और उफ नहीं कहना, दूसरा हुक्म इरशाद हुआ। तीसरा हुक्म फरमाया कि उनको झिड़की और गाली नहीं देनी। चौथा हुक्म इरशाद हुआ कि उनसे कौलन करीमा बात करनी है, यानी बात करने में अंदाज ऐसा होना चाहिए जैसे करीमाना अंदाज होता है। पांचवा हुक्म इरशाद हुआ कि जो तुम्हारे पर हैं इन परों को तुमने झुकाना है अपने वालिदैन के लिए। इस उनवान पर भी हम देखेंगे कि यह पर क्या इस्तियारा कुरान हकीम ने इस्तेमाल किया। छठे नंबर पर इरशाद फरमाया कि उनके लिए दुआ करनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे अल्लाह जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला तो उन पर रहमत फरमा। छह अहकाम इरशाद हुए। इन छह के छह अहकाम पर हम एक एक, दो दो या तीन तीन अहादीस शरीफा, आसार सहाबा और ताबईन की तहकीकात समाप्त करने के बाद आगे बढ़ जाना चाहेंगे। मैं बता दूं कि आज के मेरी गुफ्तगू के लिए सबसे बड़ा माखज एक ही किताब है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अद्दुर्रुल मंसूर। क्योंकि इस आयत को या इस हिस्से को समझाने के लिए अहादीस शरीफा की जरूरत है, अकल की जरूरत नहीं, अहादीस शरीफा की। माज कयास आरायों से बातें नहीं कही जा सकती थी, तो सबसे वसी तरीन खजाना अहादीस शरीफा का हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती ने जमा फरमाया है। मैं उन्हीं की मदद से और उन्हीं की नकल की हुई अहादीस तय्यबा आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। फरमाया कि उनसे एहसान करना है। इस एहसान करने पर हजरत इमाम मुजाहिद इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई भी शख्स बूढ़ा हो जाए
हमने अपने घरों के अंदर ये मुशाहदे देखे हुए हैं। हमारे दादा फौत हुए, आपके भी, हमारी दादी दादियां फौत हुई, तो उनकी जो इंतहाई बुढ़ापे की हालत होती है उसमें यहां तक भी हुआ कि कुछ लोगों ने पैंपर इस्तेमाल किए बड़े लोगों के लिए। ये आज के दौर में चलो पैंपर इस्तेमाल हुए, चले अच्छी सहूलत है, लेकिन इससे पहले चले जाओ, मसलन जिस दौर में अब से कोई 25-27 साल पहले मेरे दादा जान या मेरी दादी जान फौत हुई, तो उनकी जो कंडीशन मैंने देखी, तो फिर और भी अपने अहबाब में और रिश्तेदारों के यहाँ जो कुछ देखा, बुढ़ापे के अंदर बिल्कुल बाज़ुकात ऐसा हो जाता है कि मर्ज इस कदर या ज़ोफ और नातवानी इस कदर ज्यादा हो जाते हैं कि पेशाब भी बिस्तरों के ऊपर हो जाता है, हो जाने का इम्कान नहीं बल्कि हो जाता है। तो इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि बुढ़ापे के अंदर हुस्ने सलूक में से एक बात यह है कि अगर तुम्हारे वालिदैन बिस्तर पर पेशाब भी कर दें तो तुम्हें उनके पेशाब को साफ करने में एहतमाम करना चाहिए और दिल में जर्रा बराबर भी घिन नहीं आनी चाहिए। यह पहली बात है जो कि हमें याद रखनी चाहिए। यह हमारा मजहब हमें रहनुमाई इरशाद फरमाता है। इसीलिए एक जुमला कुरान हकीम का 6 दर्जे पर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे उठाकर फौरन यहां रख दूं, बड़ा परफेक्ट हो जाएगा। तो पहला हुक्म हमने जो ये सुना कि बुढ़ापे में अगर वो पेशाब भी करें तो उनसे हुस्ने सलूक ये है कि बिस्तरों को धोयो, बिस्तरों को साफ रखो, उनके कपड़ों को धोवो, उनके कपड़ों को साफ रखने में एहतमाम करो। मैं कहूंगा कि इसी बात की तरफ इशारा है कुरान हकीम के इन अल्फाज में। जब हमें यह कहा गया कि वालिदैन के लिए दुआ करो तो दुआ आधा जुमला बनता था, साथ एक और जुमला भी कुरान हकीम ने प्लस किया, यानी इरशाद फरमाया वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे अल्लाह इन पर रहमत फरमा जैसे बचपन में इन्होंने मुझे पाला था। अब ये जो बचपन में इन्होंने मुझे पाला था ये दुआ तो नहीं है, दुआ तो सिर्फ इतनी है ऐ अल्लाह इन पर रहमत फरमा। और ये दो जुमले आप महसूस कर सक रहे हैं, दो जुमले इरशाद किए कुरान हकीम ने, उनमें से एक जुमला दुआ पर मुश्तमिल है, ऐ अल्लाह इन्हें रहमत अता फरमा, लेकिन दूसरा जुमला दुआ नहीं है जैसे इन्होंने मुझे पाला। ये तो एक जमाने गुज़श्ता की एक तारीख है और एक छोटी सी कहानी है और एक खबर है कि इन्होंने मुझे पाला। ये जुमला जो साथ जोड़ा गया इस पर आइमा तफसीर ने इरशाद किया कि बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो दुआ करने में अल्लाह पाक ने उनके जहनों में ये जुमला उतारा कि जैसे इन्होंने बचपन में तुझे पाला, इशारा था कि बचपन में तू भी बहुत गंद किया करता था। वो बात याद रख जरा, बचपन में तो बड़े कपड़े गंदे किया करता था, वो बात याद रख जरा। आज ही मैं चूंकि खुद बाप हूं, आप भी बच्चों के बाप होंगे, तो मेरा छोटा बच्चा स्कूल से आज आया तो वो स्कूल में खेलते हैं, तो अभी कल ही मैंने उसे नए कपड़े बना कर दिए तो वो कहीं खेले तो वो फट गया, कमीज फट गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी तो नहीं। आप भी क्या कर सकते हो, कुछ भी तो नहीं, समझा सकते हो, और नहीं मेरे बेटे ये क्या, बाबा के पैसे जाया करोगे, ऐसे करोगे, बदतमीज हो जाओगे, यही करोगे ना। तो बचपन में हमने अपने वालिदैन का नुकसान भी किया, हमने उनके पैंपर्स भी इस्तेमाल किए, हमने उनके बिस्तरे भी गंदे किए, हमने उनके कपड़े अपने जो पहने होते थे वो भी गंदे किए, ना जाने क्या क्या किया। तो रब्बे कायनात ने कहा कि बस समझना कि कल तक उन्होंने सब कुछ नहीं बर्दाश्त किया। रब्बिर हम हुआ कमा रब्बयानी सगीरा, यह जुमला यह उनवान हमेशा मलहूज रहे कि जैसे उन्होंने पाला तो जैसे मैं, तो वो तुम पेशाब भी करते थे, आज अगर ये करें तो बर्दाश्त करना, तुम अपने वालिदैन के बिस्तर और कपड़े भी गंदे करते थे तो अगर आज वो ऐसा कर दें तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये वो तफसीर का पहला रुख था जो हजरत इमाम मुजाहिद ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ उसने सलूक में ये चीज दाखिल है कि उनके बौल और वरास को भी साफ करने का एहतमाम करो। अब थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, एक चीज है जो आप कर सकते हो और एक चीज है जो आप नहीं कर सकते हो। मसलन आपके वालिदे माजिद बीमार हो गए तो उनको इस्तंजे की या ऐसे की जरूरत हो गई, तो ये काम आपकी बेगम नहीं निभा सकती, ये आप कर सकते हो, ये काम आपकी बेगम नहीं निभा सकती। आपकी वालदा भी अगर नहीं है और अगर है तो वो खुद बहुत बीमार है, अब ये काम आप कर सकते हो, आपकी बेगम नहीं कर सकती। आपके वालिदा इस दर्जे में पहुंच जाए कि उन्हें बिस्तर के ऊपर ही पेशाब वगैरह करवाने का कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए, ये काम अब आप नहीं कर सकते, अब ये काम आपकी बेगम करेगी। लेकिन ये बात भी याद रहे, आपकी बेगम पर लाजिम नहीं है वो लाजिमन ऐसा करे, उस पर लाजिम नहीं है,
तो फिर क्या है, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करो कि बेगम मेरी खातिर ऐसा कर, मेरी मोहब्बत की खातिर ऐसा कर, आज हम इन बड़ों के साथ ये मेहरबानी करेंगे जो हमारे बस में है, तो कल को हमने भी तो आखिर बूढ़ा हो जाना है। मैं कई बार सोचता होता हूं कि अल्लाह ताला चाहे तो बूढ़े बंदों को बगैर बीमार किए क्या मौत नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। बीमार किए बगैर क्या उन्हें अपने पास नहीं बुला सकता? बिल्कुल बुला सकता है। लेकिन अल्लाह ताला हर आइंदा नस्ल के सामने गुज़श्ता नस्ल की तारीख की कुछ झलकियां रख देता है, उन्हें एहसास हो जाए कि ऐसे पाला जाता है बड़ों को, ऐसे निभाया जाता है बूढ़ों को। मसलन हम जो पोते लोग होते हैं, पहले तो दादा लोग ही दुनिया से जाते हैं, एक निजाम है, हालांकि पोते भी चले जाते हैं, लेकिन जो एक दिखने में आ रहा है, तो दरमियान में हमारे वालिदैन होते हैं, अब उनके वालिदैन हमारे लिए दादा और दादी लगते हैं, तो बुढ़ापे में अल्लाह उन्हें बीमार करता है, और फिर जो हमारे वालिदैन होते हैं वो उनकी खिदमत करते हैं। यह जो एक फिल्म चल रही होती है, ये असल में हमें दिखाया जा रहा होता है, अगली नस्ल को यह ट्रांसफर किया जा रहा होता है इल्म कि ऐसे अपने बुजुर्गों के साथ एहतमाम करना है। फिर जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, उस वक्त हम दरमियान में बाप और माँ के दर्जे में होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं वो फिर पोते बन चुके होते हैं। तो हर अगली नस्ल को बूढ़े शख्सों को बीमार करके तो जैसे एक अमली इल्म है जो मुंतकिल किया जा रहा होता है, और दूसरे लफ्जों में मैं यूं भी कहता होता हूं कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो वैसे भी अल्लाह पाक उन्हें अपने पास बुला सकता है, लेकिन ऐ बच्चों तुम्हें अल्लाह ने जन्नत कमाने का मौका अता फरमा दिया। अगर वह ना बीमार हों, ना मोहताज हों, आखिरी सांस तक अपना ही कमा कर खाते रहें, तो ऐ मेरे नौजवान दोस्तों जो हो तो बच्चे अपने वालिदैन के लिए, तो फिर ऐ बच्चे लोगों तुम खिदमत किसकी कर पाओगे, तुम जन्नत कैसे कमा पाओगे? और बुढ़ापे में वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का उनवान तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इतनी शद्दोमद के साथ बयान फरमाया, मैं जलील हो जाए वो बंदा। गुज़श्ता नशीस्त में हमने यह हदीस सुनी थी, आसमान से वही नाजिल हुई जिब्रील अमीन के जरिए, और जिब्रील अमीन ने पहले अर्ज किया, हुजूर मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन कहना है, और हुजूर ने आमीन कहा, लेकिन दुआ सिर्फ हुजूर सुन सक रहे थे, सिहाबा नहीं। तो सिहाबा ने पूछा, हुजूर ये आमीन, ये आपने क्यों आमीन कहा? हुजूर ने फरमाया, जिब्रील आए थे और फरमा रहे थे कि बूढ़े वालिदैन की खिदमत करके अगर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सका तो जलील हो जाए, यानी ये कमाल तरीन मौका था उसके लिए जन्नत में जाने के लिए। इरशाद गिरा हुआ, वकदा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्या। मेरे बूढ़े दोस्तों और बूढ़े बुजुर्गों, अगर आपको यूं महसूस हुआ कि मेरे बच्चे मेरे खिदमत गुजार नहीं है, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा, जरा अपनी तारीख देखना आपने क्या किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ खुद गड़बड़ की हुई थी अपने वालिदैन के साथ? मैं नहीं जानता कहां क्या मामला है। ऐसा होता है कि अच्छों के घर बुरे पैदा हो जाते हैं, बुरों के घर अच्छे पैदा हो जाते हैं, यानी आप तो अच्छे थे अपने वालिदैन के साथ लेकिन आपके घर बुरे पैदा हो गए, ये ऐसा मुमकिन है? ऐसा भी तो मुमकिन है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने एक ही जुर्म है जिसके बारे में इरशाद फरमाया, वैसे तमाम जुर्मों की सजा आखिरत में है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वालिदैन के साथ बुराई करना ये ऐसा जुर्म है कि बंदा मरने से पहले खुद एक बार अपनी जिल्लत और रुसवाई देखकर मरेगा। ये वालिदैन के साथ बुराई करना, तो ऐ मेरे बूढ़े बुजुर्गों, अगर ऐसा हो रहा है कि आपके बच्चे आपको हाथ नहीं पकड़ाई दे रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भी अपने वालिदैन के साथ ऐसा अच्छा हुस्ने सलूक नहीं किया था? अगर तारीख ऐसी है, दोहराई जा रही है, तो आपके लिए भी मौका है, मरने से पहले तक तौबा कबूल है, अपने खुदा के हुजूर हाथ बांधे जा सकते हैं, परवरदिगार माफ कर दे, मैं जान गया कि वाकई तू कादिर है, वाकई तू गालिब है, तू तारीखों को दोहरा भी देता है। और अगर आपने पाया कि आपने तो अपने वालिदैन के साथ हर हुस्ने सलूक किया था लेकिन आपके बच्चे आपके हक में बेहतर नहीं है, तो अब उनके लिए हिदायत की दुआ करना, माहौल उन्हें उचक कर ले जा चुका है, माहौलियाती गंद ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गंद ने उन्हें तुमसे छीन लिया है, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से यही तो एक निशानी हुजूर ने इरशाद फरमाई थी कि आखिरी जमानों में जब क़यामत करीब हो जाएगी तो बेटे लोग अपने बापों की बनिस्बत दोस्तों को अहमियत देंगे, बाप की बातों पर कान नहीं धरेंगे और दोस्तों की बातों पर कान धरने लग जाएंगे, और बेटे लोग अपनी बीवियों की खातिर अपनी माओ को छोड़ देंगे, फिर समझ जाना कि शायद क़यामत की निशानी है जो कि हमारे हक में जाहिर हो रही है। इरशाद गिरामी हुआ, वकदा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्या। मुझे खूब याद पड़ता है कि अब से 5 साल या 6 साल कबल भी मैंने वालिदैन के अहकाम बयान किए थे, तब तो ये लगभग कोई 42 के करीब शायद अहकाम
काम ना बयान कर पाया था, लेकिन अब के जबकि मेरे हाथ में दुर्रे मंसूर है हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती की, मुझे यूं लग रहा है कि शायद इस बार ये अहकाम 42 पर रुकेंगे नहीं बल्कि तजावुज करते हुए 60 तक या फिर 70 तक पहुंच सकते हैं कि 60-70 हकूक हैं जो कि वालिदैन की तरफ से बच्चों के ऊपर लाजिम होते हैं। हजरत इमाम सईद बिन मंसूर इरशाद फरमाते हैं कि हजरत उरवा इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में से एक बात यह भी है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में से एक बात यह भी है, क्या? आप फरमाते हैं कि जब तुम्हारे वालिदैन किसी काम का इरादा करें तो फिर उन्हें रोको मत, वो खुद मुख्तार हैं अपनी जिंदगी में, तुम फिर उन्हें रोको मत। अलबत्ता अगर तुम महसूस करते हो कि ऐसा करने में तो साफ साफ वालिद साहब का नुकसान है, वालिदा माजिदा का नुकसान है, अर्ज करो हौले से राय पेश कर दो, मशवरा अर्ज कर दो, मान जाए तोहफा बेहा, अगर ना माने तो भर के तुम उनके इरादे से उन्हें रोको मत। कई बार वालिदैन किसी शय का इरादा कर लेते हैं, बच्चे लोग उसमें महसूस कर रहे होते हैं कि वालिद साहब ये ठीक नहीं कर रहे, इनका ख्याल ये होता है कि ये ठीक नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं तो भी हमें हुक्म यही है कि ना रोको, ठीक नहीं कर रहे तो भी हमें हुक्म यही है ना रोको। इसकी तस्वीर कहाँ कहाँ हो सकती है, इसकी तस्वीर कहाँ कहाँ हो सकती है। नौजवान तबका गौर से सुने, नौजवान दोस्तों गौर के साथ सुनो, इसकी तस्वीर कहाँ कहाँ हो सकती है। मैं बता देता हूँ इसकी तस्वीर कहाँ बन सकती है, जब वालिदैन किसी काम का इरादा करे तो मत रोको, अर्ज करो, अपना हक इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला वालिदैन का दिल फेर दे तो माशाल्लाह, ना फेरे तो बस उन्हें मत रोको, इसकी तस्वीर कहाँ बन सकती है। ऐसा होता कि आप कॉलेज में जाते हो तो आप आंख लड़ाकर आ जाते हो किसी लड़की के साथ, इससे साफ अल्फाज में और मैं कुछ नहीं कह सकता, आप बाहर ही बाहर अपनी गर्लफ्रेंड्स बना लेते हो, अपने दोस्त बना लेते हो, आंख पटक्का कर लेते हो और उसके बाद फिर शादियों की तरफ रगबत करना चाहते हो, जबकि तुम्हारा बाप समझ रहा होता है कि हमारे घराने का जो लेवल है, या हम शरीफ लोग हैं, हम मजहबी लोग हैं, हम इस तरह पर शादी नहीं कर सकते, या इस खानदान को अपने खानदान के साथ मस्त नहीं कर सकते। वो अपनी मजहबी मजबूरियों के हाथों परेशान होते हैं, आप अपनी मोहब्बत के हाथों गिरफ्तार होते हो, तब ये बहुत सख्त जंग छिड़ती है। उस मौका पर बच्चों का इंतहाई तलख तरीन इम्तिहान होता है, वालिद फैसला करता है कि खानदान की वो बेटी शरीफ भी है, सादी भी है, पढ़ी लिखी भी है, बा अदब भी है, खिदमत गुजार भी है, वो हमारे घर में आ रहे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें वो अच्छी नहीं लग रही होती। ऐसे में अगरचे तुम्हारा हक है कि तुम शादी जहां तुम्हारा दिल है करो, तुम्हारा हक है, मजहब ने तुम्हें इस बात की अथॉरिटी दी है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक मौका है, चाहो तो अपनी चाहत कमा लो और चाहो तो वालिदैन की चाहत कमाकर जन्नत कमा लो। इम्तिहान है और मजहब इम्तिहान ही का नाम होता है, मजहब आजमाइश ही का नाम होता है, मजहब तकलीफें बर्दाश्त करने ही का नाम होता है। यह नमाज पढ़ना क्या तकलीफ नहीं, रोजा रखना क्या तकलीफ नहीं, और हज करना क्या तकलीफ नहीं, पैसा भी लग गया, टाइम भी लग गया, सरमाया भी लग गया, सारा दिन भूखा भी रहना पड़ा, सवेरे नींद खराब करनी पड़ी, रात को फिर जितना जिसका नाम मजहब है उसमें इंसानों के लिए तकलीफ है, तो यह भी मजहब का हिस्सा है, तभी तो इसमें भी आपको तकलीफ महसूस होगी। मेरा दिल कहीं और है, वालिद साहब का दिल कहीं और है, अम्मा जान का दिल कहीं और है। इम्तिहान में कामयाबी अगर समझो, अगर इम्तिहान में जायज तो है तो वो कर लो, और अगर इम्तिहान में समझो कि मेरी कामयाबी किधर है, मेरी कामयाबी किधर है, तो वो कामयाबी तुम्हारे वालिदैन की दावेदारी करने ही में है। ये कहने के बाद मैं चूंकि एक उस मनसब पर फैज हूं जिस मनसब पर बड़े लोग बैठा करते हैं, अल्लाह पाक ने मुझे उस मनसब पर कुछ जमानों के लिए बिठा दिया, हालांकि मैं उस मनसब के लायक होने से बहुत कम हूं, लेकिन बड़े लोगों के मनसब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी मुराद यह नशिस्त जो सर कुरान और सुन्नत की नशिस्त, छोटे बंदे को कुछ अरसे के लिए वहां बैठने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दी, तो मैंने देखा कि जितनी भी लव मैरिजेस होती हैं, याद रख लीजिए वो कामयाब नहीं होती, 90% वो नाकाम होती हैं। आप भी इसी दुनिया में रहते हो, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, आपकी तलाकों के केस मेरे पास आते हैं, अलामा सज्जाद साहब के पास जाते हैं, अलगरज उलामा के पास आपकी तलाकों के और नाचाकियों के केस पहुंचते हैं, और इससे बढ़कर आपके घर में परेशानी क्या हो सकती है कि जिंदगी भर के लिए आपकी लाई हुई बेगम आपकी मां की नजरों में नहीं चढ़ सक रही है, जिंदगी भर के लिए आपकी लाई हुई बेगम आपके वालिद साहब की नजरों में नहीं चढ़ सक रही है। क्या ये कम टेंशन है कि जिंदगी भर आपको यही दर्द लगा रहे, मेरी माँ में और मेरी बेगम में प्यार नहीं है, मेरे बाप में कोई शफकत की नजर नहीं है, मेरी बेगम के नाम कहां से शफकत की नजर आएगी,
कहां से प्यार की नजर आएगी, कहीं से भी तो नहीं। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी आपकी जिंदगी का एक काला तरीन पेज खोल करके तो साफ साफ आपकी नजरों के सामने रख दिया है कि इनमें झांको और यहां देखो हमारा मजहब क्या इरशाद फरमाता है। अगर तुम्हारे वालिदैन किसी काम का इरादा फरमा चुके हैं तो बस उन्हें फिर रोको मत। तो कहो वालिदैन जैसे आपका दिल है आप कर लीजिए, बस हम तो अनकरीब एक जुमला आ रहा है, मैं वहां जाकर फिर उसे बोलूंगा और फिर उसकी दोहराई करूंगा। ये जो हमने अल्फाज पढ़े कुरान हकीम में वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ करीमाना बात करनी है। इस पर मैं एक रिवायत के अल्फाज आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि हजरत उरवा इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ तलखी से भी बोलें, तो तुम पता है उनके साथ कैसे बात करना, तुम उनसे ऐसे बात करना जैसे एक गुलाम अपने सख्त मिजाज आका के सामने बड़ा लजूजत नहीं कर रहा होता, बड़ा झुक झुक नहीं रहा होता, बड़ा दबदब नहीं रहा होता, उसे मसला होता है, उसे खतरा होता है कि अगर कुछ भी होगा तो मेरा ये आका, आकाओं की दुनिया में तो पिटने छिटने का भी इम्कान होता है ना, तो कहीं मेरा ये आका इसकी वजह से मुझे नुकसान ना हो जाए। तो फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के मामले में ऐसा कहना है कि जैसे एक गुलाम अपने तुरशरू आका के सामने लुजाजत के साथ, इज्ज के साथ, इनकसारी के साथ टूट कर बिखर कर दब कर नहीं पेश आता है, बस ऐसे तुम्हें अपने वालिदान के साथ रहना है। जब ये हम वहां पहुंचेंगे तो इस उन्वान पर और भी हम देखने का एहतमाम करेंगे। तो इरशाद गिरा में हुआ कि हजरत हसन ख्वाजा हसन बसरी से इसी उनवान पर पूछा गया कि वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, आप इस पर गुफ्तगू फरमाएं। ख्वाजा हसन बसरी के दरबार में अर्ज किया गया कि इहसानन पर आप गुफ्तगू फरमाएं कि वालिदैन के साथ एहसान करें, इसकी तस्वीर आप क्या समझते हैं, हम क्या करें? तो इसका नाम होगा कि हमने वालिदैन के साथ एहसान किया, अब फिर से तैयार हो जाओ। मजहब के हर हुक्म के लिए नए सिरे से फिर तैयार होना पड़ेगा, फिर से तैयार हो जाओ। आप फरमाने लगे कि वालिदैन के साथ एहसान का माना यह है कि जिस चीज का तू मालिक है उनकी रजा चाहने के लिए हमेशा उनको पेश रख, जिस चीज का भी तू मालिक है उनको खुश रखने के लिए तू हमेशा उनके लिए पेश रख। अगर तेरे पास गाड़ी है तो तेरी गाड़ी तेरे वालिदैन के लिए हमेशा हाजिर रहे। अगर तेरे पास ये इस जुमले को मैं क्या कहूं, ये एक हफ्ता पहले मुझ तक ये जुमला पहुंचा, एक वालिद मुझसे कहने लगे कि आज मगरिब और ईशा के दरमियान 8 बजे मैंने अपने या ईशा के करीब करीब मेरा बेटा आया और आकर अपने कमरे में बेगम के साथ पहुंच गया, तो मैंने आवाज मारी और किसी तरीके से बुलाया कि बेटा मेरी बात सुनना, तो बेटे ने जवाब दिया कि अच्छा कल मिलेंगे। ये आवाज, इस जुमले को आप क्या महसूस करोगे कि कल मैं सुबह इंशाल्लाह मुलाकात कर लूंगा आपसे। ऐसे वाकियात भी इसी कायनात में हो रहे हैं, इसी दुनिया में हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि छोड़ें जी, बस ये ऐसे ही है, बस प्यार, अब हमारी भी मजबूरी होती है, अब हम खानदान तोड़वा तो नहीं सकते ना, लड़ाइयां तो नहीं करवा सकते ना, वो किसी एक तरफ की फेवर करके तो मामले को रफा दफा करना, मजहबी वो मरहम लगा करके तो मामला इनका घर इनका खानदान चलता ही रहे। तो कहने लगे कि जो कुछ तेरे पास है उनकी खुशनुदी के लिए हमारा दम पेश रख और जिस बात का वो तुम्हें हुक्म दे उनकी इताअत कर। हाँ, अगर वह तुम्हें किसी गुनाह की बात सिखाएं तो फिर उनकी ताबेदारी नहीं है। वालिदैन किसी के भी अगर गुनाह की बात उसे कहें तो हरगिज इस बात में वालिदैन की ताबेदारी करना ठीक नहीं है। वालिदैन गुनाहों की बात कर देते हैं, इसकी एक मिसाल मेरे पास क्या है। कुछ नौजवानों की खबर मौसूल हुई, उन्हें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो वह मस्जिद में काफी सारा आने जाने लग गए। वालिदैन ने यह जुमला बोलकर टोक दिया, क्या मौलवी बनना चाहते हो? ये खबर नंबर एक। खबर नंबर दो, किसी बच्चे को अल्लाह ने किसी माहौल की बरकत से सर पर इमामा दे दिया तो वालिदैन ने इस बात पर फिर टोक दिया, क्या अब तुम मुल्ला बनना चाहते हो? ये खबर नंबर दो। खबर नंबर तीन मेरे पास हुई कि कुछ बच्चों को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, उन्होंने अपने आप को हुजूर की सुन्नत के नूर में गुसल देना चाहा और दाढ़ी अपने चेहरों पर सजाना चाही तो उनके वालिदैन ने सोए हुओं की हालत में दाढ़ी को काट दिया। ये तीन खबरें मेरे पास मौसूल हुई। तो इन तीन खबरें, ये तीन ही खबरें मेरे पास मौसूल हुई। अब सबक के इख्तिताम तक कोई और भी हो गई तो मैं आपको बयान कर दूंगा। वालिदैन तुम्हें सुन्नत नबवी से रोकें, वालिदैन तुम्हें नमाज पढ़ने से रोकें, वालिदैन तुम्हें रसूलुल्लाह की ताबेदारी से रोकें, ऐसी चीज में वालिदैन की ताबेदारी करना हरगिज जायज नहीं है। वालिदैन आप भी कुछ हया कीजिए,
मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, वालिदैन आप भी कुछ हया कीजिए। जिस चीज को आपने कहा कि आपका बेटा मौलवी बन रहा है, शर्म आनी चाहिए। यह मौलवी कोई गाली का नाम नहीं है, इसको जरा अल्फाज बदल कर तो यूं कहो कि आप सोचो कि आपका बेटा मौलवी होना एक जुमला इस दौर का है, अलग करो इसे। आपका बेटा मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन रहा है, आपका बेटा कमाल दर्जे का मोमिन बन रहा है, आपने इधर क्यों ना सोचा। आपका बेटा उलूम नबुव्वत से करीब हो रहा है, आपने इधर क्यों ना सोचा। आपका बेटा मुस्तफा करीम की निगाहों का फैज लेने की तरफ लपक रहा है, आपने इधर क्यों ना सोच लिया। आपने एक ही छोटे दर्जे की चीज ही को क्यों सामने कर लिया। हम जैसे लोगों को उठाएं, उठाकर वो फेंकें। अगर हमारा किरदार शख्सियत अगर नहीं अच्छी लग रही तो उठाकर वो फेंकें। आप ये क्यों समझते हैं कि दाढ़ी रखना मौलवी का काम है। यूं क्यों ना समझा कि दाढ़ी रखना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने उस अमल को छोटे दर्जे पर परखना चाहा, वो छोटे लोगों में रोशनी नजर न आई तो आपने बेटे को हटा दिया। आपको चाहिए था कि अपनी नजर को बुलंद रखते और वो देखते। ये इमामा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर हम अंबिया की जमात इमामा बनती है तो जानना चाहिए फरिश्तों की जमात इमामा बनती है। यह नमाज पढ़ना यह मौलवियों का काम नहीं था, यह तो अंबिया का तरीकाकार था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म इरशाद फरमाया था, आपने अपने बच्चों को छोटे पैमाने पर क्यों परखा कि यह मौलवी बन रहा है, छोटा पैमाना है ये। आपने इस पैमाने पर क्यों परखा, हम जैसे लोगों के सामने रखते हुए हम हमारे वजूदों के आईने में आपने अपने बच्चों को क्यों देखा कि आपके लिए मुस्तफा करीम की सुन्नत का आईना नहीं था, कि आपके लिए अल्लाह के नूर से धुली हुई तस्वीर मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म नास की सूरत में मौजूद नहीं थी। अपने बच्चे को उस नजर से देखते तो आपका सर झुक जाता और अल्लाह का शुक्र अदा करते और एक कायनात तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा लफंगा नहीं हो रहा, तेरे महबूब का गुलाम बनने जा रहा है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। मैंने कहा कि वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। वालिदैन की एक चौथी गलती मेरे सामने आ गई है, मैं बयान करना चाहूंगा। हम ये सीख रहे थे कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अलबत्ता अगर वो किसी गुनाह का हुक्म दें तो गुनाह की बात ना मानो। इस पर मैं आपको बयान कर देता हूं। ऐसा हो जाता है बाप लोग और माँ लोग, कभी ऐसा होता है, हमारी तो वो माँ बाप ही हुए ना, लेकिन आपस में नाराज हो गए, आपस में तलाकों के केस चल गए, मामला दूर निकल गए। तो अब ऐसा होता है कि अगर बच्चा बाप के पास है वो मना करता है, माँ को नहीं मिलना, खाला को नहीं मिलना, फुलाने को नहीं मिलना, टिंगाने को नहीं मिलना, ये बाप लोग मना कर देते हैं। अगर वो बच्चा माँ के पास है तो फिर माँ मना कर देती है। सब नहीं जो करते हैं, जिनकी तस्वीर मेरे पास पहुंची, माएं लोग मना कर देती हैं, बेटा तूने अपने चचे को नहीं मिलना, अपने ताए को नहीं मिलना, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, फिर तू मेरा नहीं है। इस तरह के जुमले करके तो उन्हें एक्सप्लाइट करने की कोशिश की जाती है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें खौफजदा किया जाता है। मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी, मैं अपना हक तुझे माफ नहीं करूंगी। ये एक चौथी किस्म की गलती मेरे सामने आ गई। अगर बाप लोग बच्चे की खालाओं से मिलने से रोक रहे हैं, बच्चे के मामुओं से मिलने से रोक रहे हैं, तो सरकारे द्वारा तो हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं कि मां के रिश्तेदारों से मिलकर रहना है। अगर माएं लोग बापों के रिश्तेदारों से मिलने से रोक रही हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनसे मिलने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। लिहाजा ये एक चौथी किस्म की गलती हो गई कि वालिदैन बाज़ औकात अपने बच्चों को गुनाह करने पर उकसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वालिदैन बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन को एक बार ये केस अमेरिका का मेरे पास आया। एक इसी तरह का मसला था, लड़ाई हो गई तो वालदा कह रही थी उधर नहीं मिलना, वो कह रहे थे इधर नहीं मिलना। मेरे होते हुए फोन आ गया, मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया के पास। तो फरमाने लगे कि आप पुत्र, ऐ मेरे बेटे, क्या तू हिकमत से काम नहीं ले सकता, क्या तू दानाई से काम नहीं ले सकता। उसने कहा क्या शाह साहब, क्या दानाई। फरमाया कि तू बाप के रिश्तेदारों से मिले जरूर, लेकिन माँ को पता ना चलने दे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, और मां के रिश्तेदारों को तो मिले जरूर लेकिन बाप को पता ना चलने दे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उन्हें बताना कोई जरूरी है, बताना कोई जरूरी तो नहीं है ना। यहां तक भी बात हो गई थी कि वो उनमें से एक फरीक ने कहा कि खबरदार तूने मां को पैसे भेजे तो, खबरदार तूने उनकी खिदमत की तो, यहां तक भी उनवान वो कह दिया गया था। तो आप उनकी खिदमत भी करो लेकिन पता ना चलने दो। अगर उनकी आपस में नाराजगी है जो टसर है जो, तो एक की खिदमत करो दूसरे को पता ना चलने दो, एक से मुलाकात करो दूसरे से पता ना चलने दो। कभी राज आउट हो गया और आपका राज इफ्शा हो गया तो आप फौरन दानाई, सॉरी जी माफ कर दीजिए, बस गलती हो गई जी, आइंदा ख्याल करूंगा जी,
ये नहीं कि उनको मिलने से ख्याल करूंगा, यानी आइंदा इस बात से ख्याल करूंगा कि आपको पता ना चले, वो दानाई से जरा काम ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, आइंदा एहतियात करूंगा जी, यानी उनको मिलने से नहीं, यानी इस बात से कि बस आपको पता ना चले, तो ये हिकमत से काम लेकर के तो इस मौका पर गुजारा चलाया जा सकता है। आज हम इस एक लफ्ज के मुतालिक जो इर्द गिर्द रंग बिरंगे रिवायात के हवाले से कलाम हो सकता था हम सिमात कर चुके, इरशाद गिरामी हुआ वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्या वबिल वालिदैनि इहसाना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कलाम आगे बढ़ेगा। वाख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।